मध्य प्रदेश के भिंड में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पिता ने अपनी बेटी की जगह एक ऐसी लड़की की शादी दूल्हे से करवा दी जो उसके परिवार में जाकर शादी में दिए गए गहने और नकदी लूटने वाली थी। हालांकि इससे पहले ही इस लुटेरी दुल्हन का भेद खुल गया, जिसके बाद लड़के के पिता ने लड़की के पिता समेत लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवा दिया। दरअसल लड़की के पिता ने बेटी से दूल्हे के साथ सगाई की थी, लेकिन शादी के वक्त अपनी बेटी की जगह दूसरी लड़की के साथ दूल्हे के फेरे करवा दिए। दुल्हन बदलने का पता दूसरे पक्ष को घर जाकर लगा। 23 दिसंबर को भगवती तिवारी के बेटे रुपेंद्र तिवारी की सगाई गोहद के चर्थपुरा निवासी परमाल की बेटी भावना के साथ तय हुई थी। 16 जनवरी को भगवती के बेटे रुपेंद्र की शादी हो गई और पूरा परिवार दुल्हन को लेकर घर आ गया, लेकिन परिवार के लोग उस वक्त दंग रह गए जब उन्हें मालूम हुआ कि दुल्हन बनकर आई लड़की भावना नहीं बल्कि गंगा नाम की कोई दूसरी लड़की है। जब दूल्हे के घर वालों ने दुल्हन बनी लड़की से पूछताछ की तो दुल्हन ने बताया कि लड़की के पिता परमाल ने उसे शादी के बाद दूल्हे के घर से गहने और नकदी समेट कर ले आने के लिए कहा था। इसके बदले लड़की के पिता ने दुल्हन बनी लड़की को पैसों का लालच भी दिया था। तो उसने दूसरी लड़की की बात करा दी, वो दोबारा आ दी और संबंध किया दूसरी लड़की से शादी। तब मैंने फिर एसपी साहब के यहाँ बुलावा एप्लीकेशन। दलाल ने बोला ना कि सेल्स वेगन काम करना पड़ेगी, धंधा करना पड़ेगी। मुँह कैसे है बोला ना कि लोगों के पास सुना पड़ेगा, मैं नहीं करूँगी। तो उन लोग जबरदस्ती किया है। लड़की के पिताजी जो प्रमा शर्मा है और उसका जो सहयोगी है राम गोविंद नामदेव और सत्तार खान, उनके खिलाफ में अभी प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज की गई है और आरोपी बनाया गया है।